कॉम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर ग्रह गणित। ग्रह गणित का बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं बच्चों। सबसे पहले लेते हैं हम ग्रह गणित का महत्व। तो प्राचीन काल में महिलाएं अधिक ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो अपना जो घर का हिसाब किताब है, जो घर का जो कार्य अतिरिक्त जो होता है, तो उसमें क्या होता था, वो अपने अनुमान के आधार पर, अपने अंदाजा के आधार पर करती थी कार्य। लेकिन आधुनिक समय, इस समय क्या चल रहा है, आधुनिक समय चल रहा है, तो इस समय की जो महिलाएं हैं वर्किंग लेडीज भी हैं और गृहिणी भी हैं। तो इस समय जो महिलाएं हैं तो अपने क्या करती हैं, मतलब अपना हिसाब किताब खुद ही देखती है। पहले का जो कार्य था घर का, वो पुरुष ही देखते थे, लेकिन आज का जो जो समय है, आज इस समय जो घर का, घर की देखरेख, घर के हिसाब किताब सब कौन देखता है, गृहिणी देखती है। तो उसमें जैसे कि बिजली का बिल है, दूध का हिसाब किताब है, और अखबार का बिल है, और घर की खाद्य सामग्री का भी देखरेख, उसकी खरीदारी करना, फिर उसका हिसाब किताब रखना, ये सब क्या है, गृहिणी के ही अंडर में आता है, गृहिणी ही देखती है इसका। तो इस हिसाब से गृह गणित को गृहिणी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले लेते हैं हम इससे संबंधित जैसे प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक जैसे कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है, ठीक है बच्चों, क्या है 8000 है, इसमें 40% पुरुष हैं और 45% महिला शेष बच्चे हैं। अब बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पूछा है, बच्चों की संख्या पूछी है, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं गांव की जनसंख्या। तो गांव की जनसंख्या हमारी कितनी है, 8000, ठीक है। अब इसमें पुरुष कितने हैं, 40%, है ना। अब पुरुष 40% है और महिला 45% है। अब शेष बच्चे कितने हैं, तो शेष बच्चे कितने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुरुष, तो पुरुष की टोटल संख्या हमारी 8000 है ना। 8000 का 40% कितना है, ये पुरुष है, ठीक है। अब उसके बाद पर महिला, महिला कितनी है हमारी, महिला हमारी 8000 का 45%, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, पुरुष का 8000 का 40%, तो इसमें 8000 × 40/100, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट गया और इस वाली 0 से ये वाली 0 कट गया, ठीक है। अब इसमें बचा ये 80, अब 80 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 40 में, तो 40 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो हमारा आंसर आया 3200। कितना आया, 3200 आंसर आया। ऐसे ही हमें महिला का निकालना है, महिला का निकालना है तो 8000 यानी 8000 हमारी क्या है, कुल जनसंख्या है, तो 8000 हमारी कुल जनसंख्या का, तो 45% कौन हो गया, महिला हो गई, ठीक है। अब 8000 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, तो 45 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, तो 8000 × 45/100 यानी, तो अब यहाँ भी ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने पुरुष का निकाला था, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया हमारा, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे ये क्या बचा, 80 बचा, ठीक। अब 80 का बराबर करें, 80 का गुणा करेंगे 45 में, ठीक। अब 45 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3600। अब कहने के लिए 3600 कैसे आ गया, तो यहाँ पे देखो ऐसे करके 80, ठीक है, अब 45, ठीक, यहाँ पे ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। अब 5 × 40, 5 × 40, तो यहाँ पे 40 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं वैसे ही बता देती हूँ, यहाँ पे ये आंसर आएगा, ठीक। अब उसके बाद में जैसे 3600 इसका आ गया और 3200 पुरुष का आ गया, 3600 किसका आ गया, महिला का आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुरुष बराबर 3200 ये वाली संख्या लेंगे, ठीक। अब स्त्रियां कितनी, यानी महिला कितनी है, 3600 ये वाली संख्या ले लेंगे हम, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, जब प्लस करेंगे तो हमारी 6800 हमारी ये संख्या
आती है प्लस करने पर। तो बराबर करके कुल जनसंख्या हमारी कितनी है 8000 और पुरुष और प्लस स्त्रियां कितनी है 6800। अब इसमें से आप कुल जनसंख्या में से हमने कितना माइनस किया 6800, जो 8 अब जीरो में तो जीरो आ गया। यहाँ से कैरी ली यानी कि हासिल ली हमने, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। तो ये हमारा आंसर ये हो गया। तो ये क्या होगी हमारी बच्चों की संख्या निकली, कितनी निकली 1200 संख्या निकली। ठीक, अब इस ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारा, जैसे रामपुर की जनसंख्या 2000 है। ठीक, रामपुर की कितनी सब जनसंख्या है हमारी टोटल 2000 है, इसमें से 45% पुरुष है और 40% हमारे स्त्रियां हैं तथा शेष बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, पुरुष और स्त्रियों एवं बच्चों की कुल संख्या की गणना करनी है, यानी कि इनका संख्या ज्ञात करनी है कि पुरुष और स्त्री और बच्चे कितने कितने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लेते हैं कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या लेंगे तो हमारी कुल जनसंख्या कितनी है 2000। ठीक, आप उसमें पुरुष कितने हैं 45%, ठीक है, स्त्रियां कितनी है 40%, शेष बच्चे कितने हैं, शेष बच्चे लेंगे। अब सबसे पहले लेंगे हम पुरुष की संख्या लेंगे, तो पुरुष का निकालेंगे हम, तो दो कुल संख्या लेंगे, हमारी जनसंख्या कुल कितनी है 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई 45/100, तो इसमें 0 से 0 कटा, दूसरी 0 से 0 कटा, बचा कितना हमारा 20, यानी कि 20 बचा। अब 20 मल्टीप्लाई 45 तो इक्वल टू कितना आएगा हमारा 900 आएगा, क्योंकि 45 दूनी 90 और 0 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब दूसरा निकालना हमें स्त्रियों की जनसंख्या निकालनी है, स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है 40%। अब 40% का क्या करेंगे, कुल टोटल संख्या ये वाली लेंगे 2000 मल्टीप्लाई 40/100, तो फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, 0 से 0 काटेंगे 20 बचा, यहाँ पे 20 बचा ना, अब 20 का मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो 40 दो यहाँ पे आया। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, 900 और 800 इन दोनों को प्लस करने पर हमारा आंसर आएगा 1700 यानी 1700। अब 1700 हमारा क्या हो गया, स्त्री पुरुष का टोटल हो गया। अब इसमें से अब टोटल हो गया 1700। अब तो कुल जनसंख्या हमारी कितनी थी 2000, 2000 में से हमें क्या करना है, इन स्त्री पुरुष का जो टोटल आया है हमारा उसको हम माइनस करेंगे। ठीक, माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 2000 में से 1700 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया 300 आया। तो बच्चों की संख्या हमारी कितनी निकली 300। इसी तरीके से ये जो उसमें चैप्टर में जो प्रतिशत वाले हैं तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है इसी तरीके से निकलेंगे। ठीक है बच्चों हमारा, यदि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 38 रुपए है, क्या है, यदि 1 लीटर यानी 1 लीटर की पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है 38 रुपए है, तो यहाँ पर 28 लीटर पेट्रोल की कीमत हमें बतानी है। तो 28 लीटर की कीमत क्या होगी, तो सबसे पहले लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी हमारे 38 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे 28 लीटर पेट्रोल की कीमत हमें आंकनी है, यानी कि 28 लीटर कीमत हमें बतानी है। तो सबसे पहले 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर 38, ठीक, और 28 लीटर पेट्रोल की कीमत हमारे बराबर, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 38 × 28, तो जैसे 38 यहाँ पे ऐसे करेंगे 28 तो 8 × 8 = 64, 64 × 4 = 6। अब 8 × 24 और 6 कितने हो गए 30। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2 = 16, 16 × 6, ठीक है, और कैरी हमारी यानी हासिल बची 1। ठीक, अब 2 × 3 = 6 और 1 = 7। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गए 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, तो ये हमारे क्या हो गया
ये हो गया 1064, तो ये हमारा 1064 निकल के आ गया, यानी 1064 रुपए की हमारे 28 लीटर पेट्रोल की कीमत होगी। ठीक है बच्चे, तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।